अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और सबसे पहले नज़र डालते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ पर। अगर आप लोग भी सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स ऑफ हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं, और आप सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट एवर वे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी मेथड में, और कम अज़ कम इस पर आपका खर्चा जो होने वाला है वो 1,00,000 रुपया खर्चा होने वाला है। तो किस कंट्री के थ्रू आप सऊदी अरब जा सकते हैं, इसी न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल टीम पाकिस्तान पर पहली दफ़ा आए तो टीम पाकिस्तान को अभी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो सऊदी अरब ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस कंट्री के थ्रू सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हो अभी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता था कि ओमान के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग सऊदी अरब ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ओमान में पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अब कोई भी बंदा जो अमान का रहने वाला है उसके अलावा कोई भी बंदा सऊदी अरब ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर आप अमान के शहरी हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप अफगानिस्तान के थ्रू सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं। तकरीबन 1,00,000 रुपया खर्चा होगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड है, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपका अफगानिस्तान में कोई जानने वाला है तो तभी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप रिस्क ना लें, बेटर यही है। तो आप लोगों के लिए एक और भी अच्छी न्यूज़ है, जो कि अभी एजेंसी वाले ये बात बता रहे हैं, कभी वो आपको 10 अप्रैल का बता रहे हैं, कभी 14 का, या कोई भी अभी 15 अप्रैल का, लेकिन जो अभी ये जो न्यूज़ चल रही है एजेंसी वाले जो कह रहे हैं कि 15 की मिडनाइट को या 16 अप्रैल को फर्स्ट टाइम, ठीक है, रियाज के लिए पहली फ्लाइट पाकिस्तान से ट्रैवल करेगी। तो ये अब तक की जो बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो यही है कि 16 अप्रैल एक फ़ाइनल डेट बताई जा रही है। लेकिन मैं फिर आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि ये ऑफिशियली तौर पर ना पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से ऐलान किया गया, ना सऊदी अरब की हुकूमत की जानब से ऐलान किया गया, ठीक है। लेकिन एजेंसी वाले जिनका रबता होता है आगे कि कब फ्लाइट जा रही हैं, कब आ रही हैं, क्या शेड्यूल है, उनकी जानब से जो पैगाम जारी किए गए अपने कस्टमर्स के लिए, वो उनका यही कहना है कि 16 अप्रैल को पहली फ्लाइट पाकिस्तान से रियाज के लिए ट्रैवल करेगी। तो आई होप के इंशाल्लाह के 16 अप्रैल को फ्लाइट्स बहाल हो जाएं, ताकि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 22 दिन की छुट्टी पे आए हुए थे और 122 दिन हो गए वो पाकिस्तान में ही हैं, तो उनके लिए मेरी यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी फ्लाइट्स बहाल हो जाएं और वो सऊदी अरब ट्रैवल कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।